हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और ये चाय बना रही हूँ और यहाँ पर मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज इसके पापा की पसंद की फेवरेट सब्जी बन रही है, पत्ता गोभी एंड आलू। तो वो मैं सब्जी आज बना रही हूँ और रोटी। तो ये सुबह लंच में एंड ब्रेकफास्ट में यही बनेगा। और ये मैं जब पत्ता गोभी काट रही थी तो सारी जगह फैल जा रहा था, नीचे गिर जा रहा था, क्योंकि काफ़ी जैसे लग रहा था फ्रेश है तो जैसे आवाज़ आती है ना वैसे कच 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 कच, तो वैसे ही हो रही थी और पूरा गिर रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, किसी इस पे रख के काट लेते हैं इसको। तो वो मेरा पत्ता गोभी की सब कट चुकी है और ये मैं प्याज काट रही थी। तो अब मेरी ये चाय है, ये भी मेरी रेडी हो चुकी है, तो मैं इसके पापा को दे देती हूँ। और दूसरी तरफ जो मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है तो इसमें पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं छौंक लगा देती हूँ। मैंने कुछ नहीं डाला है, मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल है, जीरा है, लहसुन है, लहसुन ब्राउन हो गया है, उसके बाद मैंने ये प्याज डाला है। और जो मैं ये प्याज काट रही हूँ, मेरे को लेट हो रहा था तो मैंने इसी में ही ऐसे मतलब कट करके कर दिया। और ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब मैं बहुत स्पेशल लेके नहीं बैठती हूँ सब्जी काटने के लिए। जब मैं बनाती हूँ तभी मैं मतलब किचन पर ही काट लेती हूँ, मतलब मेरी ज़्यादातर आदत ऐसी ही है। मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूजूंगी। और हरी मिर्ची भी मैंने डाल दिया। और ये मेरी सिस्टर आ गई थी, छोटी सिस्टर, तो इसने कहा पहले ये छोड़। और मैंने धीमी आँच कर दिए तो उसने कहा पहले ये छोड़ और ये मैं शॉपिंग करके आई हूँ, ये देख। और छोटी सिस्टर का तो आपको पता है कि इन लोगों का रोब होता है, पहले सारा काम छोड़ो पहले इन लोगों की देखो। तो वही चीज़ है। और ये दिखा रही है टॉप, और ये दिखा रही है दो चार टॉप लाई हूँ, तो ये शॉपिंग करके लाई है, वही दिखा रही है। इसने दो शूज़ लिए हैं तो इसने वो दिखाया है, दो शूज़ लेके आई है। तो और उसके बाद ये मुझसे लड़ाई कर रही है अभी कि मैं इसको ये बोल रही हूँ कि तू एक जैसे सेम टॉप क्यों ले आई, मतलब कलर तो कलर अलग अलग है बट जो टॉप है वो एक जैसा है। तो ये कह रही, ये मेरे से लड़ रही है कि नहीं मुझे इसी की ज़रूरत है और मुझे यही चाहिए जो मैं पहन सकूँ। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो कोई नहीं तू एक जैसा ले आई है, कोई बात नहीं भाई। कंफर्टेबल उसी में होना चाहिए जो खुद को कंफर्टेबल लगे ड्रेस, ऐसा ना हो कि भैया पसंद हमने कर ली बहुत हाई फाई और नहीं है। और ये भी अपना ठंड का लेके यहाँ पर मेरी हो गए, मैंने मसाले डाल दिए थे, बेसिक मसाले वही हल्दी नमक और थोड़ा सा चुटकी भर मसाला बेसिक जो भी आपको डालना है गर्म या। और फिर इसके बाद मैंने सब्जी वो डाल दी पत्ता गोभी की और उसको मैं चला के फिर उसको ऐसे ढक दूंगी। और ये लेके आई है कान में, ये ठंड इसको रोकता है, ग्लव्स वगैरह लेके आई है। और ये वही सामान लेके आती है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, इस मुझे गुस्सा आ जाता है इसका सामान देख करके। इसलिए जो इसके पास होता है ये मतलब जाती है ना तो कोई काम की चीज़ नहीं लाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको नीड है। बार बार इसने, मेरे को लग रहा है ठंड जब से आ चुकी, इसने दो या तीन बार आई थिंक इसने शॉपिंग कर ली है। और मैं आपको पता नहीं मेरे पास वीडियो होगी नहीं होगी, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती कि, और ये मुझे दिखा रही है जब मैं इसको डांट रही, तो कह रही देख मैं तेरे लिए ये भी लेके आई हूँ कि इसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। तो मैं भी हाँ हाँ, इसकी तो मुझे काफ़ी नीड थी, तो मैं उसमें मेरा दिमाग उसने कन्वर्ट कर दिया। और मेरा मैंने कहा हाँ इसकी काफ़ी नीड थी मुझे, और ये यहाँ पर ना काफ़ी महंगा मिल रहा था तो ये यहाँ पर काफ़ी सस्ता लेके आई है, तो इसीलिए। और ये देखिए ये अपने पिटारे में से और निकाल रही है, ये लाई हूँ वो लाई हूँ, और जो उसको ज़रूरत ही नहीं थी जो बाकी सामान इसके पास था। तो एक्चुअली ऐसा होता है ना जब हम कहीं जाते हैं शॉपिंग, और ये लेगिंग भी लाई है पैंट टाइप की है, तो ये दो कलर लाई है। और यहाँ पर देखिए मेरी रोटी मैंने बना, क्योंकि मुझे इसके पापा को जाना है, टिफ़िन भी पैक करना है, तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन रही है। एक तरफ सब्जी मैंने ढक के कवर करके रख दी थी, तो एक तरफ सब्जी मेरी बन रही है। और ये पराठे मैं बना रही हूँ, ये मैं अपनी छोटी सिस्टर के लिए बना रही हूँ क्योंकि उसको अभी अभी निकलना भी है जस्ट ऑफिस के लिए, तो मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ क्योंकि ये रोटी नहीं खाती है। रोटी बहुत मुश्किल से एक आध खा ले, नहीं तो ये रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, बिल्कुल अवॉइड करती है। और या तो फिर अगर इसको रोटी चाहिए तो एकदम घी में, एकदम टपकता हुआ घी चाहिए इसको, ऐसे चाहिए। तो भाई मैं कहती हूँ घी लगाने से अच्छा है कि चलो पराठे बना दिए उसे हाथ पे, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा घी में लगाती हूँ। बट इसको ये भी है प्रॉब्लम कि घी रोज़ रोज़ नहीं, मतलब इसको ज़्यादा जो पसंद है इसको पराठे पसंद है, घी से रोटी भी लगी खा लेती है एकदम टपकते हुए। तो अब इसका टिफ़िन भी पैक करना है और इसको ये लेट भी हो रही है। पहले मैं इसके पापा का टिफ़िन पैक करती हूँ, तो ये मैं इसके पापा का टिफ़िन पैक कर रही हूँ।
ये घी भी मेरा खत्म होने वाला है, क्योंकि ये जो घी है ये गांव का घी था, और ये गांव की घी की महक अलग ही होती है। और अब तो फिलहाल अभी तो नहीं आ पाएगा। और ये मैं इसके पापा का टिफिन पैक करने के बाद सारे बर्तनों को मैं मतलब वॉश करने के लिए रख दूंगी, मतलब जो सब्जी है मैं दूसरे बर्तन में कर दूंगी, और मैं ये किचन की ऊपर से क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद जब बर्तन वॉश करती हूँ तब मैं किचन क्लीन करती हूँ। तो ये मेरे इसके पापा का टिफ़िन भी रेडी हो चुका है और ये सारे बर्तन मैं रख देती हूँ। और उसके बाद मेरे को नहाने भी जाना है, तो मैं नहा के आती हूँ फ्रेश होके, उसके बाद मुझे पूजा करनी है, मैं पूजा करती हूँ। और यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है, और ये मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, और ये मैं अपनी अभी ये नया मैं लाई हूँ, तो इसका ये पैक खोल रही हूँ मैं तो। और ये मैं अपनी सिस्टर का, छोटी सिस्टर का लंच पैक कर रही हूँ। आज वो कह रही है मुझे टिफ़िन मत दियो, मुझे टिफ़िन नहीं चाहिए, लंच बॉक्स लेके नहीं मुझे जाना आज, तो मुझे इसी में फॉइल पेपर में रैप करके दे दे और इसी के ऊपर सब्जी दे दे। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मूड का कुछ पता नहीं, इसको कभी टिफ़िन लेके जाना होता कभी नहीं, तो ये ऐसे ही मांग रही है, तो मैं इसको ऐसे ही पैक करके दे दूँगी। और यहाँ वंश भी उठ चुका है, तो मैं इसको उठा रही हूँ, बाबू उठ जाओ और ब्रश वगैरह कर लो, ये अंदर रूम से निकल के आ चुका है, तो मैं इसको ब्रश करने के लिए कह रही हूँ। ब्रश करने में बहुत लेजी है, और यहाँ पर मैंने ये कपड़े मशीन लगा रखी है, ये कपड़े वॉश हो रहे हैं मेरे। और ये जो मेरी सिस्टर मुझे मेरे लिए लेके आई थी ये बर्तन का, और ये जो जूना लेके आई थी, तो उसने मुझे मतलब पुसला लिया तो मैं खुश हो गई इससे। तो अब ये मैं अंदर रूम में आई हूँ, ये बेड सही कर लेती हूँ मैं, क्योंकि वंश अभी सो के उठा था, तो ये मैं बेड वगैरह सही कर रही हूँ। मशीन लगी हुई है, और यहाँ पर मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, तो मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ, एंड बर्तनों को अभी वॉश नहीं करूँगी मैं, अभी भिगो के रख। और ये अभी शाम का टाइम हो रहा है, मतलब मॉर्निंग का काम मेरा ख़त्म हो चुका है, ये शाम का टाइम हो रहा है, वन शाम को ये कर रहे हैं। ये क्या बना रहे हो भैया? भेलपूड़ी बना रहे हैं, क्या बना रहे हो? अरे वाह, टमाटर, टमाटर पता है कितना महंगा हो गया है। अरे हाँ, ये तो एकदम मसालेदार, आपने कहीं रेडी वेडी लगाई थी क्या आज? अरे वाह, हाथ कट जाएगा आराम से। वाह, प्याज तो मुझसे भी अच्छा छील रहा है मेरा बच्चा, एकदम डोंट वेस्ट, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं करना। वावंश बहुत टेस्टी फ्रेंड, इसने वो बनाया है भेलपूरी, और मुझे जब पता चला कि इसके अंदर डला क्या है, तो मेरा मन हो गया मैं नहीं खाऊंगी ये भेलपूरी। बट सुनने में क्या डाला है उसके बाद आपका मन नहीं करेगा, बट जब आपको नहीं पता और खा लोगे तो आपका मन कर जाएगा खाने का। तो इसने इसके अंदर क्या क्या डाला है मैं आपको बताती हूँ। क्या डाला मंच? और इसने वो जो मुरमुरे होते हैं, दिखाना जरा, ये जो मुरमुरे होते हैं वो डाला है इसने, और प्याज कट करा है, टमाटर कट करा है, और इसने जो डाला है खट्टा, जो हमारे पास अचार था वो सिरका टाइप का होता है, आप सिरका ही समझ लो, तो सिरका डाला है इसने थोड़ा सा, इसके अंदर सिरका टाइप का ही होता है ना, जो खट्टा विनेगर जैसे जो होता है, अचार होता है, सॉरी विनेगर नहीं, वो जो मतलब खट्टा खट्टा अचार होता है, तो लिक्विड जैसा होता है, गाँव से ही बन के आता है, तो उसने ये डाला है। ऊपर से इसने डाला है मेयोनीज, आप बताओ और क्या डाला है? और क्या डाला बता दे, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो जाएगा नहीं तो। अच्छा सरसों का, हाँ, तो इसने सरसों वाला और सरसों का तेल भी डाला है इसने, मेयोनीज डाली है इसने, वो खट्टा वाला जो अचार का होता है, वो लिक्विड जैसा जो भी होता है वो डाला है इसने, और प्याज टमाटर कट करके इसने बनाया है। प्लीज़ आप भी ट्राई करना और बताना कि कैसा है। पर रियल बताओ तो खाने में अच्छा है, पर इसकी रेसिपी सुनने में अच्छी नहीं है, पर खाने में अच्छी है ना, टेस्टी है, सुनने में भी अच्छी है, टेस्टी है। चलो इन्जॉय करो फिर अपनी बिल्कुल।